के साथ चल वहीं मौके पे जहाँ मीटिंग थी, जहाँ टाइम दिया था आपको, राजी चल राजी नहीं गैर राजी ले चलूँ, मेरे खिलाफ एफआईआर होगी मैं सबसे पहले अरेस्ट करूंगा, लेकिन आपको लेते चलूंगा अपना प्रशासन बोला चल। बीजेपी के सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया दिल्ली से 400 किलोमीटर का सफर तय कर जब टोंक पहुंचे तो सीधे शहर के वार्ड नंबर 1 में पेयजल योजना का शुभारंभ करने पहुंच गए, लेकिन वहां कोई भी अधिकारी और कर्मचारी मौजूद नहीं था। इसके बाद पब्लिक के साथ ही सांसद महोदय RUIDP के दफ्तर जा पहुंचे। चलता है प्रशासन हाय हाय, चलता है प्रशासन हाय हाय, चलता है प्रशासन हाय हाय। पानी दो, पानी दो, पानी। लेकिन वहां ना तो कोई तैयारी थी, ना ही सांसद के स्वागत का इंतजाम, ना ही पब्लिक के काम का कोई हिसाब, फिर क्या था। माननीय जौनपुरिया जी टोंग आए हैं, पता चलते ही तमाम अधिकारी और कर्मचारी भी मौके पर पहुंच गए, लेकिन सांसद ने जब पानी की सप्लाई और जमीन के पट्टों का हिसाब मांगा तो अधिकारियों को मानो सांप सूंघ गया। बस फिर क्या था, जौनपुरिया जी भड़क उठे और जब भड़के तो ऐसे आग बबूला हुए कि उनके सामने जो भी अधिकारी आया उसकी बखिया उधेड़ते ही चले गए। 1250 रुपए जमा कर दिया आपने, आज का टाइम रखा था 2 बजे का, 2 बजे में 400 किलोमीटर दूर से चल के आ गया, यहाँ पर एक भी अधिकारी नहीं मिला। अधिकारियों से बात करी, हमें पता नहीं था, हमारी तो VC चल रही है। अब आपके सबसे है कि अधिकारियों के खिलाफ आप सबको चलना है, और आप ये कि हमें पानी चाहिए, हमारा अधिकार है। देश का प्रधानमंत्री 1100 करोड़ रुपए दिया, 1100 करोड़, और उसके लिए दिया कि आपके हर घर के नल से जल आ जाए, और उसके बाद में नहीं है। प्रदेश का मुखिया, प्रदेश का मुखिया माननीय अशोक गहलोत जी कह रहे हैं कि प्रशासन जनता के संग। अब प्रशासन जनता के संग आपके पट्टे किस किसके रहते हैं जो नहीं मिले, जिनके पट्टे नहीं मिले, ये हालत है, जिनके पट्टे आते नहीं मिले। पट्टे पे आप जो कह रहे हो, कितने पैसे मांगते हैं पट्टे के लिए? 2 पैसे मांगे। गुस्साए सांसद जी को शांत करवाने के लिए SDM समेत तमाम अधिकारी मान मनोवल करते रहे, लेकिन जौनपुरिया जी कहां शांत होने वाले थे। उनके इस गुस्से को वहां मौजूद पब्लिक भी हवा दे रही थी। लोगों ने आरोप लगाया कि पट्टों के लिए अधिकारी पैसे मांगते हैं, पीने का पानी तक नहीं मिल पाता। इस पर सांसद जी ने अधिकारियों को ऐसा लताड़ा मानो स्कूल का कोई टीचर बच्चों को फटकार लगा रहा हो। खैर, जैसे तैसे सांसद जी को शांत करवाया गया, लेकिन जाते जाते वो चेतावनी और डेडलाइन दोनों दे गए कि अब की बार अगर शिकायत मिली तो अच्छा नहीं होगा। हमको 10 बार इनके हाथ लगा के आगे, आज तक जनता को पानी नहीं मिल रहा। आज आप 15 तारीख का, पहले 10 तारीख का टाइम रखा, कलेक्टर महोदय ने बोला भाई एक बार टाइम फिक्स कर दो, 15 तारीख का इन्होंने तय रखा, प्रोसीडिंग में लिखा हुआ है। 15 तारीख के बाद में टाइम हुआ, हमारे कल से हमारा PA बात कर रहे हैं, हमारी विपक्षी नेता है वो भी बात कर रही है, हमारा पार्षद बात कर रहे हैं, हम सब ने बात की। आज जब 2 बजे का टाइम फिक्स हुआ, 2 बजे अधिकारी यहाँ बैठे हैं, एक भी अधिकारी वहाँ नहीं गया, एक संविदा का कर्मचारी वहाँ गया, उसने कहा जी मैं आया हूँ, मैं हम उससे क्या बात करें, धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री की मीटिंग को ही नहीं मान रहे हैं। जो दिशा की मीटिंग में प्रोसीडिंग में लिखा था, टाइम दिया था, खुद कलेक्टर महोदय ने टाइम दिया था, ठीक है, 10 दिन का टाइम रखा था, उसके बाद में 10 तारीख के बजाय 15 तारीख कर दी, उसके बाद में अधिकारी नहीं जा रहे, बैठे हैं अपने दफ्तर में। मैंने आपको बता दी, आप 25 तारीख को मैं मान लेता हूँ, 25 तारीख को उन्हें टाइम दिया, 25 तारीख का टाइम दे दें, उसके बाद नहीं होगा तो फिर हम रोड पर आएंगे, हमारी मजबूरी है। सांसद को नारे लगाने में मजबूर होना पड़ा, क्या करूँ, मुझे 6 महीने तो हो गए, 6 महीने से लगा हुआ हूँ, आज भी सारे दिन जयपुर धक्के खा के आया हूँ सिर्फ इस काम के लिए, फिर भी कोई नहीं सुन रहा। आगामी रणनीति ये है कि एक एक वार्ड वाइज, गांव में काम नहीं हो रहा, वार्ड वाइज, अभी दोनों अधिकारी सुनने बात होगी, वार्ड वाइज हैंडओवर लूंगा, वार्ड वाइज पैसे दिए हैं माननीय प्रधानमंत्री, ठोक के पैसे दिए हैं। आप बताओ ना, रूढ़ी वाले काम कर रहे हैं, मौज मार रहे हैं गुलसरे, और पब्लिक हाय हाय कर रही है, पब्लिक परेशान हो रही है, जिन माताओं ने 1250 रुपये जमा कर दिए, कर्जा ले लेके पैसे जमा कर रहे हैं, अरे ये मौज ले रहे हैं।
वहीं सांसद जी के जाने के बाद अधिकारी ये कहते दिखे कि उन्हें तो जौनपुरिया जी के आने की खबर ही नहीं मिली थी। पानी पीएचडी देती है हमारा गांव, हमारा नेटवर्क का काम है, हमने हमारा नेटवर्क और कंप्लीट कर दिया था 3 महीने पहले भी। दिशा की बैठक का मामला सामने आया, उसको लेकर कहीं ना कहीं प्रोसीडिंग्स में था कि अधिकारी मौजूद रहेंगे? नहीं, ऐसा कुछ मेरे जानकारी में नहीं है। दिशा की बैठक में मीटिंग में कोई ऐसा कुछ नहीं, पानी देने की बात थी केवल। दिशा बैठक में तय हुआ था कि पानी देने की बात, ना ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा मेरे को बताया नहीं गया कि इनको बुलाना ऐसा कोई डायरेक्शन नहीं था हमारे पास। सांसद जी के आने से एक फायदा तो हुआ कि कम से कम अधिकारी अब एक्टिव हो चुके हैं, कहते हैं कि अब सर्वे करवाएंगे, जिन्हें पट्टे नहीं मिले हैं पट्टे दिलवाएंगे, गांव-गांव तक पानी भी पहुंचाएंगे। इसमें कुछ कम्युनिकेशन गैप रहा था, 4 बजे के अराउंड मेरे को सूचना मिली कि एमपी साहब कोई मीटिंग में पहुंचे थे लेकिन एससी साहब नहीं पहुंच पाए। उसके बाद एमपी साहब ने यहाँ रूडिप के ऑफिस में आए, उसके बाद 150 लोग उनके साथ और थे, कोई मिसकम्युनिकेशन की वजह से एसी साहब की व्यस्तता के कारण। अभी मैं एसी साहब से पूरी डिटेल जानकारी लूँगा, लेकिन एमपी साहब की जो डिमांड थी कि हाउस होल्ड कनेक्शंस नहीं आए, डिटेल प्लान हमें नहीं दिया जा रहा, तो इस बारे में एसी साहब से बात करके 25 तारीख तक उनको डिटेल प्लान दे दिया जाएगा, किन किन एरियाज में कितना हाउस होल्ड कनेक्शन हो गए हैं, कितनी फाइल्स अप्रूव हो गई है, कितने लोगों ने पैसे जमा करवा दिए। अगर लोगों ने पैसे जमा करवा दिए तो उनको बिसलपुर का पानी दिलवाना जल्दी शुरू करवा दें। जौनपुरिया जी शायद इस बात से खफा थे कि मोदी सरकार पेयजल योजना पर करोड़ों का खर्च कर रही है, लेकिन प्रदेश की सरकार प्रशासन गांव और शहरों के संग वाला अभियान चलाकर सारा क्रेडिट अकेले ही लेना चाहती थी। शायद इसीलिए ये हाई वोल्टेज ड्रामा किया गया होगा कि कम से कम लोगों को ये तो पता चले कि सिर्फ गहलोत ही नहीं, मोदी भी राजस्थान की जनता की फिक्र करते हैं। राजस्थान तक के लिए टोंक से मनोज तिवारी की रिपोर्ट। सरकार बिगड़ी है, वो सरकार बिगड़ी।